तो अभी बज रहे हैं 3:30। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह मैं आ चुकी हूँ रसोई में। जो भी सुबह के काम होते हैं ना, रोज वाले, झाड़ू निकालना, पानी पीना, ये सब जो होता है ना, वो आज तो हो ही चुका है, वो तो रोज़ ही हो जाता है। लेकिन आज मैंने ब्लॉग शुरू किया है, जब मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही थी तब से, क्योंकि कभी कभी सुबह सुबह एकदम पॉसिबल नहीं होता मोबाइल कैमरा उठा के किसी चीज़ को शूट करना। तो मैंने, जब मैं टिफ़िन बना रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी से शूट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन से ना मेरा जो ब्लॉग है वो काफ़ी आगे पीछे हो जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम हो रही थी बनाने में। तो और दिन छोटे होते हैं और मेरे यहाँ काम बहुत ज़्यादा थे, तो इसकी वजह से। तो अभी टिफ़िन दे रहे हैं, तो टिफ़िन में बना रही हूँ मैं नमकीन जवे, या कह लीजिए नमकीन सेवई जिसको बोलते हैं। और ये रेडीमेड सेवई है, मैं हाथ से तोड़ा हुआ सेवई नहीं है। और जो है, इस सेवई को मैंने पहले भून लिया था, और भूनने के बाद जो है, बच्चों को अगर सब्जियां खिलाना हो ना, तो इस तरह के जो टिफ़िन होते हैं देना बहुत आसान पड़ता है, और बहुत ज़्यादा हेल्दी टेस्टी उन लोग को मिल भी जाता है। क्योंकि रोज़ पराठा पूरी ले जाने से सब लोग बोर हो जाते हैं, वैसे बच्चे ले तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनके मन का कर देना चाहिए। और फिर अब आ गई है ठंडियाँ, सर्दियाँ आ गई हैं, तो काफ़ी अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिलेंगी, और काफ़ी रंग बिरंगी सब्जी हो जाएगी, तो खिलाने में बहुत आसान होगा। फिलहाल शुरुआत हो चुकी है पत्ता गोभी, मटर, प्याज से। तो मीठे जवे थे, सॉरी जवे थे, उसको मैंने हल्का सा रोस्ट करने के बाद ना, मैं इसको सोक कर देती हूँ, जिससे बहुत जल्दी फूलता है और एक दूसरे में चिपकता नहीं है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक होती है, नहीं तो चिप 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 हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और टिफ़िन बनता भी बहुत जल्दी है ये, और बच्चे भी बहुत अच्छे पसंद करते हैं। और जो बच्चे पसंद करें वो बना देना चाहिए और बनाते रहना चाहिए, क्योंकि इसको खाने में कोई बुराई नहीं है और इसे कोई ख़राब चीज़ भी नहीं है ये। तो ये मैं अपने लिए ले जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे मेरे 3:30-4 बज जाएंगे उसको आने में, तो तब तक के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए पेट में। तो बस ये चीज़, थोड़ी सी नमकीन से भाई। और थोड़ी सी जवे जो है उसे मैं लेकर आई हूँ छत पर खाने के लिए, खुद के लिए, जो बच गए थे। और सही मानिए, सर्दियों में छत पे धूप में बैठ के खाने में जो आनंद है ना, वो आनंद और कहीं नहीं है। और मेरे यहाँ ना मौसम बहुत ख़राब था, बारिश भी हुई थी, और बारिश होने के बाद का जो धूप निकला ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए मैंने सीज़न की पहली धूप का आनंद लेते हुए अपना नाश्ता किया, थोड़ा सा लिया, क्योंकि ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं एक डायबिटिक हूँ, तो डायबिटिक वालों को काफ़ी देर तक, लॉन्ग टाइम तक भूखे नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। तो इसकी वजह से मुझे लेना होता है, तो मैं 1-2 चम्मच ही लेती, ज़्यादा नहीं लेती। उसके बाद मैंने इन पौधों को धूप लगा दिया, और ये मेरा सबसे प्यारा सा पौधा है, छोटा सा नन्हा सा पौधा, जो कि इसको मैंने ना बहुत कटिंग करके लगाया है जार में। और ये है स्नेक प्लांट, इसको भी जो है मैं इसमें ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ज़्यादा ग्रो हो जाएगा तो फिर मैं इसको दूसरे गमले में लगा दूँगी। तो थोड़ी धूप लगाने के लिए लाए थे, क्योंकि सर्दियों में इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है धूप की। अपना दिन बहुत छोटे होने लगे, मतलब मेरे जितने जो रोज़ के काम होते हैं ना, वो सब ख़त्म कर चुके हैं। और करने के बाद अभी लगभग 2 बज रहा है, मतलब चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, थोड़ा जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, लेकिन अब दिन हो रहे हैं छोटे, काम है वो, काम तो नहीं रहेगा चाहे दिन छोटे हो जाए या बड़े। तो जो है यही सब हो रहा है घर में रोज़ का काम। और फिर से अब हम अपनी शेड्यूल पे वापस आ चुके हैं, मतलब सवेरे बच्चों का टिफ़िन, फिर उसके बाद में ये, इसके बाद में और सब काम, मतलब पूरा बैक टू शेड्यूल हो चुका है वापस। तो
तो जो है बस अब जो है बच्चों का कर रही हूँ इंतज़ार। अब बच्चे आ जाएंगे तभी खाएंगे, और अब ना उन लोगों को आने में बहुत टाइम हो जाएगा, लगभग 3:30-4 बज जाएंगे, और जब बच्चे आ जाए तभी खाएं, खाना अच्छा नहीं लगता फिर। और होता है ना एक बार इधर मतलब थोड़ा सा भी रेस्ट करने का भी समय नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा है कि हम पहले रेस्ट करूंगी उसके बाद खाना खाऊंगी, फिर क्योंकि शाम हो जाएगी तो वैसे भी कुछ जो है रेस्ट करना नहीं है, फिर उसके बाद रात की तैयारी करने में लग जाओ, तो इससे अच्छा है कि जब बच्चे आएंगे तभी खाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ कुछ अपने छोटे मोटे काम करने के लिए, क्योंकि अब शादियों का समय आ चुका है और हमारे घर में भी शादी है, तो थोड़ी सी उसके लिए भी तैयारी होती है ना, हम औरतों की तैयारी होती है, शुरू हो जाती है पहले से ही, तो वही जो है कर रही। जो भी करेंगे वो आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी, आई होप आप लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, ब्लॉग को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और अभी यूनिफॉर्म नहीं उतरा, लेकिन मोबाइल ज़रूर हाथ में आ गया। और ये है मेरा छोटा बेटा जो कि बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा। तो वो लोग अपनी ड्रेस चेंज कर रहे हैं, तब तक मैं निकालती हूँ खाना। और मैंने भी खाना नहीं खाया था ये सोच के कि बच्चे आएंगे तो खाना खाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सी थाली है, दाल चावल सब्जी चोखा। अभी बज रहे हैं 3:30, मैं दिखाऊं आपको तो पीछे वॉच देखिए, अपोजिट दिखेगा, फ्रंट कैमरा से अपोजिट दिखता है, पीछे से सही दिखेगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी कितना बज रहा है। और ये टाइम है हमारे लंच करने का, मैंने बताया था ना कि शेड्यूल चेंज हो जाता है, अब ये चल रहे हैं ना खाने। शनू हो गई फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ, नई लाइफस्टाइल के साथ। मेरे साथ बने रहिएगा, और अभी भी ना बहुत से घर के चादर जो है उतरे नहीं हैं, अगर आप देख सकते हो ना तो आपको ही दिख जाएगा, देखो ठीक है। तो है कुछ लोग हैं जिनका अभी भी झालर वालर नहीं उतरे, अभी भी उनके लिए दिवाली हो रही है। तो फिलहाल अब मैं चलती हूँ नीचे, करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में खूब अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।